तो कैसे हैं आप लोग? हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद पोकेमॉन एवोल्यूशन गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हो, मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल गया है और मतलब मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। और ये कैसे मिला है इसका वीडियो तो गाइस कल आएगा, मतलब सब मतलब क्या बताओ मैं। और मतलब ये कह सकता हूँ कि मैंने एडमिन से अकाउंट मेरा छीन लिया है या फिर मतलब कुछ भी, आप कुछ भी कहो, वो तो आपको आप लोग कल के वीडियो देखने के बाद मुझे कह रहा है कि मतलब हुआ क्या है, मैंने क्या किया है। और ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स भाई, इतने सारे रिवॉर्ड्स, ओ भाई देख ही सकते हो मतलब कितने दिनों बाद मैंने लॉगिन किया है और डायमंड भी बहुत सारे हो गए। फिर यहाँ पे इवेंट रिव्यू तो करेंगे गाइस, इवेंट रिव्यू की टेंशन मत लेना, करेंगे। और वैसे भी करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सेरो राइगोजा है और मैंने उसका रिव्यू शायद 2-3 बार किया भी है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक भी दे दूंगा। वैसे भी मैं इस वीडियो पर शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ये सब कुछ मैं पहले फ्री में कलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू टू रिट्राइवल, यहाँ पे रिट्राइव, यहाँ पे एल लिख, यहाँ पे नहीं हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे है रिट्राइवल लेकिन यहाँ पे ड्राइव मतलब ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट करेंगे। परफेक्ट से डायमंड चाहिए तो ठीक है, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। जीरो डायमंड ही करेंगे, डायमंड नहीं है अपने पास। ये की मिला, फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू, सारे के सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे करेंगे। की से होता क्या है नहीं पता, यहाँ पे एक्सपी मिला है बहुत सारा, ये काम का चीज़ है। 95 लेवल पर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे ये मिला है VIT भी थे और बहुत ज़्यादा चाहिए, और VIT नीचे था लेकिन अभी आ गया। चलो ठीक है, 300 बहुत बढ़िया। ये चाबियों से होता क्या है मुझे कोई ये बताओ, ये क्या चीज़ क्या है चाबियाँ, क्या खोलना क्या पड़ेगा? फ्री भाई, कितने सारे फ्री है यहाँ पे। और लकी टर्मिनल भी तो कुछ आया है शायद, वो देखना पड़ेगा नया शायद है या फिर नहीं है, मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा। और यहाँ पर ये तो हो गया शायद, और ये है नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल ही है, तो ये शायद डायमंड से ग्लोबल बैटल बैटल लाइट ये सब कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन चलो ले ही लेते, कितने डायमंड, 150, नहीं 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 मेरे पास नहीं है डायमंड ज़्यादा, तो ये सब कुछ नहीं लेंगे। और देख सकते हो कितने दिनों बाद मैंने यहाँ पर लॉग इन किया फ्री, मेरा लॉग इन हुआ था मतलब यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन लॉग इन देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे हो गया, सारे सारे फ्री होगा क्या? तो नहीं, 20 डायमंड्स यहाँ पे खर्चा होना स्टार्ट हो गया, लेकिन खर्चा तो करना ही पड़ेगा। लॉग इन 40 डायमंड्स यहाँ तक बस हो गया ख़त्म, बहुत बढ़िया। ये भी रिसीव कर लेते हैं, रिसीव कर लिया, डायमंड और भी ज़्यादा बढ़ गए। डेली साइमिन डे, अरे ये क्या दिखा रहा है, रेड मार्क क्यों आ रहा है? तो फिर तो बेकार आ रहा है। चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे डेली साइमिन और कुछ था क्या? चलो एक और बार देख ही लेते हैं यहाँ पे कुछ था या फिर नहीं था। टास्क एक्सपर्ट शायद वो वाला टास्क फिर से, और गाइस हाँ फिर से वो वाला स्टार फिर से आ चुका है। अब सब जानते ही हो, मैंने बहुत बार में कह चुका, उसे बस 5 पकड़ो चिट्टे इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर और आपको 5 लगातार एक रिफाइलिकन मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और पॉपुलर इवेंट यहाँ पे कुछ भी दिखाने के लिए नहीं रहता है कभी भी, क्योंकि ये सर के सारे टॉप अप प्लेयर्स के लिए ही होता है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं लकी टर्मिनल। यहाँ पे कुछ तो आया है लकी टर्मिनल, वो हम लोग लास्ट में देख रहे थे। और यहाँ पे सैमुएल्स ओक ट्रेजर में आ चुका है हमारा शैडो राइगोजा। ठीक है, तो क्या शैडो राइगोजा का मतलब आप सभी जानते ही हो कितना पावरफुल है, बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है। और मैं फुल रिव्यू नहीं करने वाला, जैसे कि शैडो राइगोजा के गियर के बारे में, एक्सक्लूसिव मूव के बारे में, एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिव्यू मैंने कर दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहता चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है, स्पेशल एचपी टाइप पोकेमॉन है, स्पेशली अपना देख सकते हो 195 स्पीड कमाल का है, डिफेंस कमाल का है, एचपी कमाल का है, परफेक्ट पोकेमॉन है। ठीक है, तो आप इसे इजीली लेके यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ऑसम है। और नीचे यहाँ पे और क्या है, 4B डिट्टो होगा शायद, 4B डिट्टो है। और यहाँ पे रूनस आए हैं, यहाँ पे क्यू रून, ये भी क्यू, चार यहाँ पे सॉरी 6 क्यू आए हैं और 6 और कुछ रून आया है शायद, क्यू, अच्छा क्यू ही सिर्फ 6 आए, तो क्यू रून का काम हम लोग देख लेंगे। और नीचे और भी चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पार 50 ले सकता गाइस, मतलब मैंने इतने दिनों तक लॉग इन नहीं किया, कितना सब मतलब क्या बताऊँ, कितना कुछ मिस हो गया। देखो उसे चेन वाउचर मिस हो गया, फिर मतलब और भी बहुत सारे, आप सही समझ सकते हो, आप सब डेली खेलते हो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे रिडीम कर लेते हैं कितना भी हम लोग कर सकते हैं। ओरिजिन तो वैसे ही, ओरिजिन में तो मिस तो हो ही गया, मैंने सोचा था ओरिजिन के कम से कम गियर ले लूँ या फिर कोई मूव तो ले ही लेता,
लेकिन क्या कर सकते हो, अकाउंट तो चला गया था 36, और नहीं ले सकते क्या? तो ठीक है कोई बात नहीं, ले लेंगे बहुत जल्दी, 36 यहाँ पे काफ़ी है। तो मेरे पास कितने हो चुके हैं, मेरे पास हो चुके 127। तो ऑरिजिन का अभी यूएस स्टोर में इजी ले सकते हो, लेकिन ऑरिजिन का इवेंट ही नहीं है। और यहाँ पे 3B2 का इवेंट तो मुझे नहीं दिख रहा, तो वो नहीं आया। 4B2 आया इसलिए 3B2 नहीं दिया। बिल स्टेशन भाउचर यहाँ पे क्या कुछ आया यहाँ पे होप्पा। तो इस सारे इवेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने हज़ारों बार रिव्यू किया है, मतलब हज़ारों बार नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, जितनी बार भी किया है बहुत बार किया है। और फुल रिव्यू का जानना चाहते हो तो फिर से एक और बार बोलूँगा मैं, पोकोमॉन के बारे में, पोकोमॉन के एक्सक्लूसिव गियर के बारे में, एक्सक्लूसिव मूव के बारे में। तो जानना चाहते हो तो वीडियो के अंदर चले जाओ, एकदम पहले वाले रिव्यू के अंदर, वीडियो के अंदर बहुत पहले का वीडियो है, लेकिन पूरा समझ जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे पोकोमॉन है, तो लेकिन सब कुछ समझ जाएगा। जैसे कि इस पर मैं शॉर्ट में बता दूंगा, होप्पा कमाल का पोकोमॉन है, होप्पा उसमें जानते हो कितना पावरफुल है। फिर यहाँ पे सैंडस्टॉर्म ग्राउडन, तो ये भी अच्छा पोकोमॉन है, लेकिन इससे अच्छा तो हमारा नॉर्मल ग्राउडन ही है, इसको थोड़ा बहुत इग्नोर ही करना। फिर मार्सर भी बहुत ही अच्छा है, गोस्ट फाइटिंग एंड गोस्ट टाइप पोकोमॉन है, इसको भी यूज़ कर ही सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे है हमारा और क्या है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है, दो पोकोमॉन है। यहाँ पे फ्यूरियस राइकोजा इस गेम का वन ऑफ दी नहीं वन ऑफ दी नहीं सेकेंड बेस्ट आइस टाइप पोकोमॉन है फ्यूरियस राइकोजा। फर्स्ट है हमारा आइस डांस गार्डेफॉर, ठीक है, तो ये सेकंड पे रहता है आइस टाइप पोकोमॉन में से। और यहाँ पे है नेक्रोजमा, नेक्रोजमा बहुत ही औसत पोकोमॉन है, इसको डेफिनेटली यूज़ करना है, अगर आपको साइकिल टाइप पोकोमॉन चाहिए तो फिर यूज़ करना, ठीक है। तो और यहाँ पे है हमारा जरूरा, जरूरा का स्पीड थोड़ा कम है लेकिन पोकोमॉन कमाल का है, अगर एफर्ट वाले को स्पीड थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो फिर पोकोमॉन कमाल का होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसका। फिर यहाँ पे है किब्सर म्यूटो, गाइस इस पोकोमॉन को इग्नोर करना, पोकोमॉन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसको फुल कन्वर्ट करने के बाद ही स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन स्टोन भी दिया है, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इसका फुल सेट खरीदना, कॉम्बिनेशन से पहले उतना खास नहीं होगा। और यहाँ पे डॉन विंग, डॉन विंग से बहुत ही अच्छा पोकोमॉन चाहते हो, इसको भी यूज़ कर ही सकते हो। और यहाँ पे एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस, गाइस अगर स्पीड वाला कोई पोकोमॉन चाहिए ना तो भाई एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस जरूर अपने टीम पर रखना, मतलब हर एक टीम पे ना एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस गेम का सबसे ज़्यादा स्पीड वाला पोकोमॉन है एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस, ये हर किसी के टीम पे तो होना ही चाहिए, 6 पोकोमॉन में से होना ही चाहिए ये वाला पोकोमॉन। फिर यहाँ पे बोनस इवेंट पे आ चुके हैं, बोनस इवेंट में शायद कुछ नहीं आया है यहाँ पे, और कुछ नहीं आया, ठीक है। तो अभी बाकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ रून दिखाना, क्यू रून कैसा है, और लकी टर्म, लकी टर्म में देख लेते हैं क्या हमारे पोकोमॉन आया है यहाँ पे। लोडिंग लोडिंग, और यहाँ पे ये वाला पोकोन आया गाइस, चलो इसके बारे में देख लेते हैं, मैंने इसका रिव्यू किया है कभी क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा। 700 इंडिविजुअल वैल्यू, एसपीएस एक टाइप है, और स्पेशल अटैक इसका देख सकते हो 177। पोकेमोन तो उतना खास नहीं है, मतलब गेम के अंदर नहीं है, ठीक है। एनआईएम पे तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ही पता है, आप सभी को भी पता है, गेम के अंदर उतना खास नहीं है, तो इसको तो इग्नोर ही करना, अपना डायमंड्स बर्बाद मत करो इस वाले पोकोमॉन के ऊपर। और क्यू रून बाकी है, चलो क्यू रून की तरफ भी बढ़ते हैं हम। और सुप्रीम टोकन नया आया है क्या, सुप्रीम टोकन नया कुछ भी नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था वो जो नया हो ये, उसका नाम क्या है, अगर वो आ जाए तो मैं उसको डेफिनेटली खरीदने वाला हूँ, तो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगले मंथ आ जाएगा, अगले मंथ खरीद लेंगे। और बाकी क्या था, अच्छा रून दिखाना, चलो रून देख लेते हैं हम यहाँ पे किसी भी पोकेमॉन से जाके। देखो अगर क्यू रून हम दो यूज़ करेंगे तो फिर हमारा पोकेमॉन का जो भी टाइप होगा, अगर ओपोनेंट के पोकेमॉन का भी सेम टाइप होता है तो हमारे ओपोनेंट के पोकेमॉन का पावर 10% डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है, कम हो जाता है। और अगर हम किसी और टाइप मूव को यूज़ करें तो फिर उसका पावर 30% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर हम लोग क्यू रून दो यूज़ करें तो। फिर और अगर क्यू रून हम चार यूज़ करें तो फिर जो भी अटैकिंग टाइप मूव हम यूज़ करेंगे उसका पावर 20% से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर अगर हम लोग एक्सक्लूसिव मूव यूज़ करें तो फिर उसका पावर 40% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, क्यू रून मतलब चार यूज़ करने के बाद ही थोड़ा बहुत अच्छा तो मुझे लगा, दो में उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन क्यू रून आप लोग देख के लेना, क्योंकि मुझे ये रून उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो शायद मैंने रिव्यू हो गया, और हाँ एक और चीज़ तो बाकी है, क्या बचाऊँ भाई, बहुत दिनों बाद मैंने खेल रहा हूँ इसलिए मतलब मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बचाऊँ, मैं देखते हैं कौन सा पोकोमॉन आया, और एक और बाकी है, ठीक है। तो कार्ड शायद मैं कल ही स्पिन करने वाला हूँ, आज तो एक कार्ड तो कन्फर्म मिल जाएगा, और विक्ट्री नहीं आया गाइस, तो स्पिन कल तो कन्फर्म ही, आज तो एक कार्ड तो मैं कन्फर्म मतलब कलेक्ट कर ही लूँगा, 200 क्या बचाऊँ कार्ड भी हो जाएंगी, और कल आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो स्पिन वाला और शायद और कुछ दिखाने के लिए नहीं, और हाँ गाइस मेरा यहाँ पे देखो लूकिया पावर इवेंट पर भी फुल मेरा लॉस हो गया, देख सकते इतना सारा पॉइंट गया था, लेकिन और एक दिन बाकी, मैं मतलब मैं कितना क्या कर लूँगा,
कोकोमन ट्रेन भी नहीं है किया, कुछ भी नहीं है। अभी देखो अभी के अभी मुझे मेरा अकाउंट वापस मिला, यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन वगैरह सब कुछ आप सबके सामने ही हुआ। मुझे अभी बहुत काम करना है, सो गाइस ज़्यादा कुछ भी नहीं, शायद कुछ छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा, ठीक है। एंड गाइस एक और सीडी की तो आया था पिछले बार जो वो फ्राइडे को सीडी किया था, उसका तो मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन उससे पहले एक और सीडी की आया था सब शायद आप सबने देख लिया और कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जो भी नहीं जानते हो उनके लिए मैं फिर से वो वाला डाल देता हूँ, ठीक है। तो सीडी की ये रहा, और ये सिर्फ से पोकेमॉन इवोल्यूशन के लिए, अगर आपका काम नहीं कर रहा तो फिर पोकेमॉन इवोल्यूशन वाला डाउनलोड करो, या फिर अब तो नहीं जाता तो फिर एडमिन से अकाउंट अपना ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिल चुका है, और ये शायद वही बेकर से जो कि हमें फ्राइडे को बेकर से रिवॉर्ड मिलता है वही सही रिवॉर्ड है। तो दोस्त आज के वीडियो से इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो आया होगा। और गाइस जो भी चैनल पे नहीं आया हो ना, हमारे चैनल पे चल रहा है 10 VIP 1 का क्यू अभी, और वो क्या मतलब क्या क्या करना पड़ेगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो से इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस जाने से पहले चीज किसी ने भी अभी तक उस सब्सक्राइब बटन की तरफ देखा नहीं, छुआ नहीं, ऐसा मत किए करो ही भाई, उसके बाद देख के छू के रेड से ग्रे कलर कर दो। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।